पब्लिक टीवी आपकी आवाज। होली मिलन समारोह को लेकर महानगर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को तुरेहा कश्यप विकास समिति द्वारा बुध बाजार स्थित एक होटल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एक दूसरे को गले लगकर होली की शुभकामना दी गई। साथ ही समिति के अध्यक्ष ने बताया कि होली का पर्व हम क्यों मनाते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। भक्त प्रहलाद को मानने के उद्देश्य से होलिका मैया ने एक अर्थी का बंदोबस्त किया और भक्त प्रहलाद को लेकर उसमें बैठ गयी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा के कारण उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। देखने वाली बात यह है, उनको तो वरदान प्राप्त था कि उनको कोई अग्नि भस्म नहीं कर सकती, लेकिन उनका यह वरदान खंडित हो गया, क्योंकि अगर उन्होंने साफ साफ कहा अगर तुम अच्छाई के लिए इसका प्रयोग करोगे तो तुम्हें अग्नि भस्म नहीं कर सकती, लेकिन होलिका मैया ने उसका दुरुपयोग किया था जिससे अग्नि ने उसे भस्म कर लिया। इस अवसर पर होली मिलन समारोह में तुरेहा कश्यप विकास समिति के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। होली का त्यौहार एक ऐसा है, पूरी दुनिया में होली का त्यौहार मनाया जाता है और होली का त्यौहार त्याग और बलिदान का त्यौहार है, जिसमें होलिका मैया ने प्रहलाद को बचाने के लिए अपना जीवन होम कर दिया था। होलिका देवी का त्यौहार ऐसा है कि ये राष्ट्रीय शोक 40 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है और इसमें जो भी दुश्मनी होती है लोग अपनी बरसों पुरानी दुश्मनी भुला देते हैं और गले मिल जाते हैं। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हर आदमी दुश्मनी भुलाकर गले मिले और होली का त्यौहार प्रेम पूर्वक भाईचारे से सौहार्दपूर्वक